हेलो दोस्तों दोस्तों यहाँ पर ये 5 HP का सोलर पंप लगा हुआ है और इसके माध्यम से हम आपको घर का लोड चला करके दिखाएंगे बिना किसी बैटरी के, बिना किसी BFD के। अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी तो मैंने बताया था कि एक वीडियो चैनल पे ऐसी आने वाली है जिसमें आप देखेंगे कि बिना किसी बैटरी के आप डायरेक्ट सोलर से किस तरीके से घर का अपना AC, पंखा, फ्रिज, A to Z सारा लोड चला सकते हैं। लाइव डेमो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो धैर्य के साथ देखें, पूरी देखें और बहुत शानदार वीडियो लेकर के आए हैं और जो आपको इन्वर्टर है वो भी दिखाएंगे लाइव टेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों ये रहा, ये PM Industries का नया सोलर PCU है ये, और ये दोस्तों बिना किसी बैटरी के डायरेक्ट सोलर से चलता है। जो हमारे सिंगल फेस उपकरण हैं उनको हमारे ये चलाता है। ये देख रहे हैं 5 HP का यहाँ पर ये रोटो सोलर कंट्रोलर लगा हुआ है। ये दोस्तों यहाँ पर चेंज ओवर लगाया हुआ है कि यहाँ से हम जो सोलर पैनल का करंट है अगर हम पंप चलाना चाहें तो हम पंप को दे सकें। देखिए अभी सोलर PCU पे था, अभी हमने यहाँ से पंप पर मोड पे इसको कर दिया स्विच। तो देखिए पंप जो यहाँ से कंट्रोलर जो बैकअप हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ से हमने पंप स्टार्ट कर दिया। अभी आपको पहले हम पंप दिखाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हमें जब पंप नहीं चलाना होता और घर के पास हमारा खेत है तो उस केस में क्या है कि हम अपना जो घर का लोड है सारे सिंगल फेस वो सोलर से चलाएं, उसके ऊपर ये वीडियो है। देखिए दोस्तों 5 HP का रोटो सोल का BLDC पंप है ये, मोनोब्लॉक यहाँ पे चल रहा है। इसकी टेस्टिंग की गई है, देखिए ये आपको दिखाया पूरा कितना ज़बरदस्त ये पानी दे रहा है। ये 2.5 से 3 इंच बहुत शानदार प्रेशर का पानी देता है दोस्तों यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सारे लोड, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे घर के जो सिंगल फेस उपकरण हैं और सोलर पैनल हमने लगा लिया है पंप के लिए। तो दोस्तों पंप हम हर रोज़ तो चलाते नहीं हैं, जब हम पंप को हमको पंप ना चलाना हो उस केस में हम घर का लोड कैसे चलाएं। तो देखिए फिर से हम चेंज ओवर के पास आ गए, यहाँ से हमने चेंज ओवर डाउन किया और इसको अब हमने क्या कर दिया दोस्तों PCU मोड पर ले गए, पंप मोड हमने इसका बंद कर दिया। अब जो भी हमारी सोलर पैनल से सारी पावर आ रही है वो इस सोलर PCU के अंदर आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 221 वोल्ट अभी ये यहाँ पे निकाल रहा है और देखिए कितने एम्पियर लेकर के चल रहा है, इतने ये एम्पियर यहाँ पे लोड इससे अभी चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इससे हम घरेलू जो आटा चक्की होती है वो चला करके दिखाते हैं। देखिए ये रही, ये घरेलू आटा चक्की है और इसमें जो मोटर लगी हुई है वो आप देख सकते हैं, करीब ये 2 HP की मोटर इसके अंदर लगी हुई है। और यहाँ पर जो सिंगल 220 वोल्ट सिंगल फेस मोटर है ये, और देखिए इसको यहाँ पर चला रहे हैं इसी से, और सारा गल्ला वगैरह सारा दिखाएँगे दोस्तों। फिर यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे लोड आपको चला करके दिखाएंगे, कोई फेकनेस नहीं है, जेन्युइन प्रोडक्ट मार्केट में आया बहुत सारे लोगों की डिमांड को देखते हुए। इसका सारा कैसे मिलेगा सारा मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा आपको, पहले मैं एक एक करके लोड चला करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से दोस्तों चक्की का जो लोड है वो ऑन कर दिया है, यहाँ पर मोटर पर लोड डाल दिया जो चक्की का लोड है सारा। तो ये अभी क्या है ना, इसमें गल्ला जाने लगा है, और देखिए गल्ला अभी आपको दिखाते हैं कि आटा इससे पीस के बाहर निकल भी रहा है। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों सिस्टम पूरा, और लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो मोटर लगी है इसमें, ये मल्टीपल तरीके से मोटर यूज हो रही है यहाँ पर। एक ये इससे हम जो कुट्टी काटने की अपना गणा सा मशीन चलाते हैं चारा कटाई वो भी, और देखिए गल्ला यहाँ से जा रहा है इसमें, और ये दोस्तों यहाँ पर आटा निकल रहा है। अभी देखिए दोस्तों घर के और सारे उपकरण दिखाते हैं। देखिए अभी 8 एम्पियर तक लोड इस PCU पे पड़ रहा है, और आपने देखा कि 180 वोल्ट के आसपास ही निकाल। देखिए ये फैन चल रहे हैं, लगभग 8 से 10 पंखे लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा घर है ये। इसमें देखिए अलग अलग दिखाते हैं सारे आपको सारे उपकरण, ये कम से कम 8 से 10 फैन चल रहे हैं इस घर के अंदर सारे, क्योंकि 5 HP का सिस्टम है, 5 kW सोलर पावर से अभी पावर आ रही है। तो घर के कितने उपकरण आप इससे चला सकते हैं वो देखिए, RO यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, RO चल रहा है। उसके बाद देखिए ये दोस्तों यहाँ पर फ्रिज भी इससे चल रही है, अभी आपको दिखाते हैं कि फ्रिज आप, ये देखिए प्रॉपर लाइट इसके अंदर आ रही है, क्योंकि दोस्तों घर के जितने भी सिंगल फेस उपकरण हैं उसको चलाने के लिए विदाउट किसी बैटरी के, बिना किसी कंट्रोलर के सीधा ये इन्वर्टर ऐसा कंपनी ने बनाया है कि भैया आप इसको अपने सोलर पैनल को घर का लोड चला सकें। देखिए वॉशिंग मशीन भी इससे चल रही है, आप देख रहे हैं रोटेट हो रहा है इसका व्हील वॉशिंग मशीन का, ये वॉशिंग मशीन इससे चल रही है यहाँ पर। और अभी आपको दिखाते हैं दोस्तों इसके माध्यम से जो समरसिबल मोटर है, जो हमारी घरवाली मोटर होती है जिससे हम अपना टैंक वगैरह भरते हैं, वो घर की जो समरसिबल मोटर है जो नॉर्मली 1 HP या 2 HP हम घर में लगाते हैं टैंक वगैरह भरने के लिए, देखिए वो भी इससे चल रही है यहाँ पर। तो देखा आपने दोस्तों कितने सारे लोड एक साथ इससे चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 5 HP का सिस्टम है, और ये जो टाइम है लगभग
8:30 से 9 बजे का टाइम है सुबह का, लगभग 9 सवा 9 बजे का टाइम है ऐसे मान के चले, हाँ सॉरी 9 बजे के बाद का टाइम है, 9:15 के अराउंड। ये देखिए पूरा 1 इंच जो हमारा समर्सिबल घर के लिए हम लगाते हैं टैंक भरने के लिए वो लगा हुआ। अब इसी से दोस्तों देखिए जो हम बता रहे थे दो तरीके से ये मोटर यूज, अब इसी को हम चक्की, इससे चक्की का लोड ख़त्म करके इससे हम अपनी चारा काटने की मशीन चला रहे हैं। देखिए कितनी शानदार यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और डाली थी कि दूसरे तरीके से लोड कैसे चलाते हैं। एक तरीका ये था कि दोस्तों आप इसके थ्रू, ये भी 5 HP का सिस्टम है कि आप इससे 7.5 KVA का अल्टरनेटर घुमा रहे हैं यहाँ पर, और ये 3 HP की मोटर है। तो दोस्तों एक तरीका ये भी है कि भाई सोलर पैनल से BFD से, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है कि पहले आपको इसमें BFD भी लगानी पड़ती है, दूसरी चीज़ आपको एक मोटर लेनी पड़ेगी, अल्टरनेटर लेना पड़ेगा, तो ये क्या है दोस्तों काफ़ी कॉस्टली आपका हो। और इसमें ये भी 220 वोल्ट AC निकाल रहा है घर के ऊपर चलाने के लिए, और जो इन्वर्टर हमने आपको दिखाया वो भी 220 वोल्ट AC ही निकाल रहा है घर का लोड चलाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायनामो इससे घूम रहा है, ये BFD है, इस BFD से पहले ये 3 फेज मोटर चल रही है, थ्री फेज मोटर डायनामो घुमा रही, फिर डायनामो क्या है कि सिंगल फेज बना रहा है। तो ये दोस्तों काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसी सब की डिमांड को देखते हुए कंपनी ने जो लॉन्च किया है, नया PCU मार्केट में आया है, कि इन सारी तरीका, वैसे ये भी ठीक है, सेफ़ है, वो काफ़ी अच्छा तरीका है ये भी, लेकिन दोस्तों प्रोसेस इसका थोड़ा लंबा है, थोड़ा कॉस्टली भी है इसके मुकाबले। तो उसी सब को देखते हुए कंपनी ने ये ऐसा प्रोडक्ट निकाला है एक, कि जिसके माध्यम से आप घर का अपना जो AC है, आप दोस्तों 5 HP का आपके घर पे सिस्टम है तो आराम से आप इससे 1.5 टन के 2 AC लगातार चला सकते हैं। यानी आप अपने और अदर लोड बंद करके, छोटे छोटे या हैवी लोड कोई, और अपना हैवी लोड एक साथ चला सकते हैं, यानी कि 1.5 टन के 2 AC आप इससे चला सकते हैं डायरेक्ट जब धूप अपनी पीक पे होती है। आटा चक्की चला सकते हैं जो घरेलू होती है 2 HP या 3 HP जो भी, और जो गणासा मशीन है चारा काटने की वो आप इससे चला सकते हैं, और घर के बाकी जो माइनर लोड लेकर चलते हैं, छोटा लोड जैसे कि कूलर हो गया और आपका फ्रिज हो गया, उनको भी दोस्तों आप पूरे दिन इससे A to Z सारा लोड इसके साथ चला सकते हैं जब तक आपकी धूप रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत सेफ रास्ता है, क्योंकि अगर हम BFD के थ्रू लोड चलाते हैं तो BFD 3 फेज निकालती है, उसमें क्या होता है कि BFD में फ्रिक्वेंसी अप डाउन होती रहती है, तो हमारे जो घरेलू उपकरण हैं वो सिंगल फेज होते हैं, हम BFD के साथ ज़बरदस्ती करके उसमें से केवल एक तार या दो तार लेकर घर के लोड चलाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा हुआ भी है कि लोगों के महंगे प्रोडक्ट जब उन्होंने BFD से लोड चलाया सिंगल फेज तो उसमें ख़राब हो गए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा खुद का घर में भी ये प्रॉब्लम आई थी जब मैंने ये चलाया था। तो दोस्तों इसी सब की डिमांड को देखते हुए ये प्रोडक्ट आया, मैंने आपको सारे A to Z लोड इससे चला करके दिखा दिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये किसी को चाहिए 2 HP से लेकर 7.5 HP 10 HP तक का, जिससे आप डायरेक्ट घर का लोड चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 8368 53 39 70, इस पर मुझसे व्हाट्सअप करके इसकी कीमत के बारे में, कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा सारी मैं आपको जानकारी दूंगा, और कितने दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, और भी कोई संशय हो कि कितना लोड इससे हम कैसे कैसे चला सकते हैं। दोस्तों लाइव लोड मैंने आपको चला करके इसके थ्रू दिखाया, दोनों तरीके दिखा दिए, जो सबसे पहले तरीका ईजाद हुआ था वो भी दिखाया कि हम कैसे BFD के थ्रू अल्टरनेटर घुमाते थे मोटर के थ्रू वो था, तो उसी को दोस्तों मॉडिफाई करके अब ये तरीका है कि डायरेक्ट बिना किसी बैटरी को लगाए सोलर से घर का लोड आप कैसे चला सकते हैं। तो आपने दोस्तों लाइव सारा डेमो देखा, फिर कहना चाहता हूँ वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं, और कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों मैंने बता दिया है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके इसी कीमत के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोई टॉपिक छूट गया हो तो फिर से देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें।